जय हिंद। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप तहसील या अंचल कार्यालय से अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे कर सकते हैं, उसमें कितना खर्च लगने वाला है, किन किन डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, और यह बंटवारा कहां तक वैलिड है। तहसील से बंटवारा या अंचल कार्यालय से बंटवारे के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने और भी किसी तरह का बंटवारा आप करने की सोच रहे हैं तो हर तरह के बंटवारे के बारे में हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के हर तरह के बंटवारे का वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाकर के आसानी से देख सकते हैं और जिस तरह से आपको की इच्छा हो वो बंटवारा कर सकते हैं। और यदि आपके एरिया में और भी किसी प्रकार से बंटवारा हो रहा हो तो आप कमेंट में बताएं, हम उनके बारे में भी रिसर्च करके पूरी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में हम आपको तहसील से बंटवारा कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। जिस तरह से हमने पंचनामा बंटवारे में बताया था, तहसील के बंटवारे में भी लगभग वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले आपको अमीन या फिर पटवारी को बुलाया जाता है और उनसे आपको शेड्यूल बना लिया जाता है। इसमें आपके बाप दादा जिनके भी नाम से टोटल प्रॉपर्टी है वो सब का आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है रसीद के साथ। पटवारी या अमीन के द्वारा बनाया गया शेड्यूल और उन पर आप सभी का हस्ताक्षर और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, यदि संभव हो तो आप अपने गांव के जो भी पंचायत के प्रतिनिधि लोग होते हैं आप उनका उस पर हस्ताक्षर और मोहर ले लें तो यह आपके लिए और भी पुख्ता सबूत हो जाएगा। ये सब जो शेड्यूल अमीन के द्वारा बनाया जाता है, पंचनामा बंटवारा में आपकी मर्जी थी कि आप स्टाम्प पर बनवाएं या फिर सादे कागज पर बनवाएं, दोनों चलता था। लेकिन यहाँ पर आपको 1000 रुपए के स्टाम्प पर बनाया जाता है। हमारे एरिया में 1000 रुपए का स्टाम्प लगता है और मजबूत भी यह होता है। आपके एरिया में आप जिस भी स्टाम्प पर बनाना चाहें वो आप अंचल कार्यालय से पता कर लें कि बंटवारे के लिए कितने रुपए के स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाता है। हम अपना बेसिक जानकारी बता रहे हैं और जो आपके हक के की बात हो, जिसमें आपके लिए फायदा हो, वो बात हम आपको बताते हैं। तो आपको स्टाम्प पर पटवारी से या अमीन से सारा डिटेल्स लिखवा लेने के बाद, सब साइन करने के बाद और प्रतिनिधि से लगवाने के बाद एक एप्लीकेशन भी लिखना होता है और वो एप्लीकेशन आप अपने अंचल कार्यालय में जाके प्रस्तुत करते हैं। वहां से आपको एक रिसीविंग दे दी जाती है और रिसीविंग के आधार पर आप फिर दोबारा जाते हैं वहां पर, और वहां पर आपको एक जैसे मोटेशन में केस नंबर चलता है आप वो भी कर सकते हैं। अभी तक जहां तक हमको जानकारी है अपने एरिया में बंटवारे के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, वो आपको ऑफलाइन जाकर के ही देना होता है। इसमें सब अपना अपना आधार कार्ड और जो भी आपकी पहचान पत्र हो वो सब लगाते हैं, वंशावली भी लगाते हैं। इसमें आपको वंशावली भी लगाना होता है। वंशावली कैसे बनाया जाता है यदि आपको ये नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ आई बटन में भी है, आप वंशावली बनाने वाला वीडियो देख सकते हैं। वंशावली लगाने के बाद अंचल कार्यालय के पास जब एप्लीकेशन चला जाता है तो उस एप्लीकेशन पर अंचल कार्यालय विचार करता है और यदि उनको जरूरत लगे तो वो पदाधिकारी के द्वारा या स्वयं भी वो कर सकता है, ये उनके इच्छा पर निर्भर है। स्थल निरीक्षण करता है और इस बात की जानकारी जुटाता है कि इसमें जो भी इंक्लूड है प्रॉपर्टी, पंजी 2 से भी मिलान किया जाता है कि वो सब आपकी ही है, इस पर लगाया गया लिखा गया खाता खसरा और इसमें लगाया गया डॉक्यूमेंट्स के वास्तविक या ओरिजिनल है या फर्जी है, जो भी हिस्सेदार आप लोग हैं उनमें से कहीं आपने किसी का हिस्सा छोड़ तो नहीं दिया। मान के चलिए कोई 5 भाई है, कोई 1 भाई बाहर रहता है, 4 भाई मिला के चला गया वहां पर देने के लिए कि हुजूर हम 4 भाई हैं, 4 भाई में बंटवारा करने के लिए सोच रहे हैं, तो 5वां का तो हिस्सा वहां पर मर गया। तो इस तरह से ये सब जाँच पड़ताल करके अंचलाधिकारी रिपोर्ट मंगाता है। ये सब रिपोर्ट आ जाने के बाद तहसील से बंटवारे में जब आपको नोटिस देकर के बुलाया जाता है और आप सब वहां पर उपस्थित होते हैं तो सबको सहमत होना जरूरी है। यदि किसी एक ने भी आपत्ति लगा दिया तो फिर आपको वहां से बंटवारा कैंसिल होने वाला है, आपको बंटवारा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको सब देख लीजिए कि आप सब सहमत हैं या नहीं हैं। यदि सहमत नहीं है तो फिर बंटवारा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप पहले ही तय कर लीजिए, आपस में मिलान जुलान कर लीजिए कि कौन किधर से लेगा और केवल प्रमाण पत्र लेने के लिए वहां पर अप्लाई करें सीओ के पास। और एक बार यदि सीओ इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका सारा चीज जेन्युइन है और सब सहमत भी हैं तो फिर आपको उसका अपना साइन और मोहर करके आपको उसका प्रमाण पत्र यानी कि वो शेड्यूल दे दिया जाता है कि हाँ ये बंटवारा वैलिड है, और एक कॉपी उनका अंचल कार्यालय में भी बाय रिकॉर्ड वहां पर रख लिया जाता है। जो शेड्यूल आपको दिया है, जो आपने अमीन से बना के दिया था, उसके आधार पर आप मोटेशन भी करा सकते हैं, अपने नाम से रसीद भी कटा सकते हैं और आप जमीन का वारिस, असली वारिस के बदले अब आप जमीन का मालिक हो गए, यानी अब आपके नाम से जमाबंदी बनेगा, अलग अलग हर व्यक्ति अपना अलग अलग जमाबंदी बना लेंगे और उस तरह से आप जमीन बेच भी सकते हैं या पूर्ण अधिकार जैसा आपको इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। जमीन का पूर्ण मालिक अब आप हो गए। उम्मीद करता हूँ
तहसील से बंटवारे के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई कमी रह गई हो और यदि कुछ और आपके मन में सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। यदि हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।